सो नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का ज्ञानी अकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी नई स्कीम, दैट इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ठीक है, इसकी पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा था मेक इन इंडिया, और अब हम पढ़ रहे हैं हमारी स्कीम नंबर 2, दैट इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो आओ और समझते हैं कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम आखिर है क्या और इसको लाया क्यों गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो द स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स एम्स एट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। तो भैया स्टैंड अप इंडिया एक ऐसी स्कीम है जिसका एम क्या है, प्रमोट करना एंटरप्रेन्योरशिप किसके बीच में, वुमेन और द पीपल ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी STSC पीपल और वुमेन के बीच में एंटरप्रेन्योरशिप की भावना जगाने के लिए लाया गया था हमारा स्टैंड अप इंडिया स्कीम। क्या है ये स्कीम एग्जैक्टली और पढ़ते हैं उसके पहले, द स्कीम इज एंकर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, शॉर्ट में DFS। ठीक है, ये स्कीम को एंकर कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, शॉर्ट में DFS। DFS भी आपको याद रखना है, हो सकता है पूछ ले द एक्रोनिम DFS स्टैंड्स फॉर, उसमें आपको आंसर देना है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसके अंदर आती है भैया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आपको पता है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, कॉर्पोरेट अफेयर, रेलवे की, डिफेंस की, बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है। उसमें जो फाइनेंस की मिनिस्ट्री उसका एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वो एंकर करता है स्टैंड अप इंडिया को। क्लियर है? हाँ सर। अब स्टैंड अप इंडिया क्या स्कीम है सर, तो द स्टैंड अप इंडिया स्कीम फैसिलिटेट्स बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख to 1 crore टू एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बोरोवर एंड एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। तो भैया स्टैंड अप इंडिया स्कीम ये बोलता है कि हर पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच, जैसे कोई भी एक बैंक है SBI बैंक है, अगर उसकी 100 ब्रांच है तो हर ब्रांच को, ठीक है, 100 ब्रांच है तो और हर एक ब्रांच को लोन प्रोवाइड करना है, किसको, तो पर्सन ऑफ STSC कम्युनिटी या एक वुमेन को जो क्या करना चाहती है या करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनको आपको लोन प्रोवाइड करना है। लोन कितने का प्रोवाइड करना है, मिनिमम 10 लाख रुपीज का, और मैक्सिमम लिमिट क्या है, 1 crore rupees। ठीक है, हर बैंक की ब्रांच को एक लोन प्रोवाइड करना है STSC कम्युनिटी के पीपल को और वुमेन को जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। लोन का अमाउंट क्या है सर, 10 लाख से लेके 1 crore तक का, फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। अब ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज क्या होता है सर, तो ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज का मतलब होता है नया नवेला बिजनेस, एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह नया नया बिजनेस, मतलब आपका इसके पहले कोई और बिजनेस रनिंग में ना हो, आप एकदम न्यू होने चाहिए बिजनेस वर्ल्ड के लिए, आपने आज से पहले कभी कोई बिजनेस नहीं किया हो और आपका ये नया नया बिजनेस है, आप खुद नए नए बिजनेस में एंटर हो रहे हो और अपने पैर पे खड़े होना चाहते हो, तो अपने पैर पे खड़े होने में आपको मदद करेगी सरकार। किस तरीके से, पैसे से भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बिजनेस में, अगर मनी ही नहीं हो तो आप बिजनेस करोगे कैसे, तो उस मॉनेटरी एस्पेक्ट में गवर्नमेंट आपको हेल्प करना चाह रही है, इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ठीक है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्टैंड अप इंडिया स्कीम जिसमें आपको मिलेगा लोन्स 10 लाख रुपीज से लेके 1 crore rupees तक का। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे, दिस एंटरप्राइज मे बी इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर, ये सर्विसेज सेक्टर में हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो सकता है, और नया चीज इसमें आया अब एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर तक था, ट्रेडिंग सेक्टर तक था, बट इस बार के यूनियन बजट में एग्रीकल्चर की सर्विसेज को भी, एग्रीकल्चर अलाइड सर्विसेज को भी इस स्कीम के अंदर रखा गया है। ठीक है, हाँ जी सर। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल मतलब अगर कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो जाके लोन लेना चाहता है तो वो भी लोन ले सकता है, बट अगर वो चाह रहा है कि वो पार्टनरशिप में काम करे या वो चाह रहा है कि एक दो लोगों के साथ या कोई ग्रुप बना के, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक्स शुड बी हेल्ड बाय आइदर एन STSC
और वुमेन एंटरप्रेन्योर। अगर आप ग्रुप में बिजनेस करना चाह रहे हो या पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाह रहे हो तो भी आपको लोन मिलेगा, बराबर मिलेगा। बस उसकी एक छोटी सी कंडीशन है कि बिजनेस के 51% शेयर्स या तो एसटीएससी पर्सन के पास हो या वुमेन एंटरप्रेन्योर के पास हो। समझो कि कोई वुमेन है, कोई महिला है जो कोई बिजनेस करना चाह रही है, पर वो चाहती है कि साथ ही साथ में वो अपने हस्बैंड के साथ या अपने भाई के साथ या अपने सन के साथ वो बिजनेस करे, तो क्या वो बिजनेस कर सकती है? हाँ जी सर, बिजनेस तो बिल्कुल कर सकती है। क्या उसको लोन मिलेगा? बिल्कुल लोन मिलेगा, पर तभी मिलेगा जब उस बिजनेस के 51% शेयर उस पर्टिकुलर वुमेन के पास हो गए। अगर ऐसा केस बनता है कि अगर कोई वुमेन अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस कर रही है और हस्बैंड के पास 51% शेयर है और वुमेन के पास 49% शेयर है, तो क्या वो वुमेन स्टार्टअप इंडिया के तहत लोन ले सकती है क्या बैंक से? आंसर इज नो। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर या एसटीएससी के पास 51% ऑफ शेयर होल्डिंग होनी चाहिए उस पर्टिकुलर बिजनेस की। यही है हमारी स्टार्टअप इंडिया स्कीम। इससे और रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, एलिजिबिलिटी है। क्या एलिजिबिलिटी है? डीप में इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि भैया एसटीएससी एंड और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अबव 18 ईयर ऑफ एज। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपकी एज 18 ईयर्स अबव होनी चाहिए, तभी आप स्कीम के अंदर वैलिड होगे, तभी आपको स्कीम के अंदर लोन मिलेगा। ठीक है, फिर लोन्स अंडर द स्कीम्स आर अवेलेबल फॉर ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है भैया? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आप एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट सिग्निफाइज इन दिस कॉन्टेक्स्ट द फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ द बेनिफिशियरी इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेस ट्रेडिंग सेक्टर और एलाइड एग्रीकल्चर सर्विसेज। एलाइड एग्रीकल्चर सर्विसेज मतलब आप बी कीपिंग कर रहे हो, ठीक है, कैटल कर रहे हो, पोल्ट्री फार्म कर रहे हो, फिशरीज में आप इन्वॉल्व हो, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर फॉल होती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग काम करना है, आप एसटीएससी हो या वुमन एंटरप्रेन्योर हो, तो बिल्कुल आप स्टैंडअप इंडिया के तहत ये लोन बोरो कर सकते हो। अगर आप सर्विसेज सेक्टर में काम करना चाहते हो और आप एसटीएससी या वुमन एंटरप्रेन्योर हो जिसमें आपकी एज 18 इयर्स के अबव है, तो आप बिल्कुल लोन ले सकते हो स्टैंडअप इंडिया के अंडर। क्लियर है अच्छी तरीके से? हाँ सर, आ जाओ फिर थर्ड एलिजिबिलिटी देखते हैं। इन केस ऑफ ए नॉन इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस 51% ऑफ शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड बाय आइदर एसटीएससी और एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये हमने पहले भी ऊपर पॉइंट पढ़ा कि अगर हम ग्रुप में बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 51% स्टेक जो है वो एसटीएससी या वुमेन एंटरप्रेन्योर के पास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बोरोवर शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट ऑफ एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो पर्सन लोन बोरो कर रहा है वो कहीं से भी डिफॉल्ट में नहीं होना चाहिए। हो सकता है उस किसी पर्सन ने जो स्टैंडअप इंडिया में लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसने और किसी दो चार बैंक से लोन लेके रखे हैं और उसका लोन वो रीपे नहीं कर रहा है, उसने वहां पे फ्रॉड कर दिया है और अब ये इधर आ रहा है स्टैंडअप इंडिया में यहां से लोन लेने के लिए, तो ऐसे किसी पर्सन को स्टैंडअप इंडिया के अंदर लोन नहीं मिलेगा। आपकी इमेज एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है, एकदम आप साफ सुथरे होने चाहिए, तभी आपको इसके अंदर लोन मिलेगा। तो ये है कुछ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आ जाते हैं लोन डिटेल्स पे, किस टाइप का लोन मिलेगा, कैसा लोन होगा। ठीक है, इसकी डिटेल्स पे हम आते हैं और जल्दी जल्दी इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो नेचर ऑफ लोन, नेचर ऑफ लोन कैसा है सर? तो कंपोजिट लोन आपको मिलेगा इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल बिटवीन 10 लाख एंड अप टू 1 करोड़। तो भैया एक 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक के आपको लोन मिलेंगे कंपोजिट लोन। कंपोजिट लोन मतलब उसमें लॉन्ग टर्म लोन सॉरी टर्म लोन भी उसमें शामिल होगा, साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल भी उसमें शामिल होगा। अगर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए आपको मिल जाएगा, अगर आपको टर्म लोन चाहिए आपको टर्म लोन मिल जाएगा, अगर आपको दोनों पर्पसेस के लिए लोन चाहिए तो भी आपको कंपोजिट लोन दिया जाएगा। कितने से कितने बीच में लिमिट क्या है इसकी? 10 लाख से लेके 1 करोड़। ओके सर, पॉइंट नंबर 2, पर्पस ऑफ लोन। पर्पस ऑफ लोन आपका क्या होना चाहिए? न्यू एंटरप्राइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग सेक्टर सर, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर बाय एसटीएससी वुमेन एंटरप्रेन्योर। इसमें हमने देखा कि हमने एग्रीकल्चर को भी इस बार यूनियन बजट में शामिल हो चुका है, ठीक है। तो पर्पस ऑफ लोन क्या होना चाहिए? लोन का आपका पर्पस क्या होना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग, ट्रेडिंग या एलाइड एग्रीकल्चर सर्विसेज। क्लियर है सर। पॉइंट नंबर 3, साइज ऑफ लोन। लोन का साइज क्या होगा सर?
लोन का साइज क्या होगा सर? तो कंपोजिट लोन ऑफ 85% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल। तो आपको 85% जो आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका 85% तक का आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी पैसा सर आपको आपके बिजनेस में खुद लगाना है। बट द स्टिप्यूलेशन ऑफ लोन बीइंग एक्सपेक्टेड टू कवर 85% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड नॉट अप्लाई इफ द बोरोवर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विथ कवर्जन सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर स्कीम्स एक्सीड्स 15% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। अगर आपको बाकी स्कीम मिला के, सरकार की और भी बहुत सारी स्कीम है जिससे आप फायदा उठा सकते हो, तो बाकी सब स्कीम मिला के अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट का 15% ऑलरेडी आपको कहीं से अरेंज हो जा रहा है तो 85% टोटल आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको बचा परसेंट जितना भी होगा उतना आपको मनी दिया जाएगा एज अ लोन। फिर आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, इंटरेस्ट रेट। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी लोएस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ बैंक फॉर दैट कैटेगरी रेटिंग कैटेगरी नॉट एक्सीड। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे एक्सीड नहीं होगा? बैंक के बेस रेट प्लस 3% प्लस टेनर प्रीमियम। ठीक है, बैंक का जो भी बेस रेट होगा, मान लो 1% अगर किसी बैंक का बेस रेट है, प्लस 3% उसमें और ऐड किया जाएगा यानी 4% प्लस टेनर प्रीमियम। टेनर प्रीमियम जितने लंबे समय के लिए आप लोन लोगे उतना लंबा भैया आपका ये प्रीमियम बढ़ते जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है, क्या? बेस रेट प्लस 3% प्लस टेनर प्रीमियम। क्लियर है? हाँ सर। अब बात करते हैं सर सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी क्या देनी पड़ सकती है इसमें। तो बिसाइड्स प्राइमरी सिक्योरिटी द लोन मे बी सिक्योर्ड बाय कोलेट्रल सिक्योरिटी और गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी एंड फंड स्कीम फॉर स्टार्टअप इंडिया लोन CGFSIL एज डिसाइडेड बाय द बैंक। बैंक आपको पता है एक प्राइमरी सिक्योरिटी तो हमसे लेता ही है, साथ ही साथ कोलेट्रल सिक्योरिटी भी हमसे मांगता है। तो प्राइमरी सिक्योरिटी तो आपको देनी ही देनी है, अगर आप कोलेट्रल सिक्योरिटी भी आपको देना पड़ रहा है तो कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए सर आप या तो कोई सिक्योरिटी जमा करा सकते हैं या गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम का आप फायदा उठा सकते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी देने के लिए, जैसा आपका बैंक डिसाइड करता है। तो बेसिकली कोलेट्रल सिक्योरिटी बैंक टू बैंक डिटरमाइन करेगा, डिफाइन करेगा कि भैया वो किस टाइप की कोलेट्रल सिक्योरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने लोन ले लिया, हमने इंटरेस्ट रेट देख लिया, अब आ जाते हैं इसके रीपेमेंट पे। तो रीपेमेंट क्या है? तो द लोन इज रीपेबल इन 7 ईयर्स विथ अ मैक्सिमम मेरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 मंथ। तो 7 ईयर्स तक सोचो कितना लंबा टाइम दिया जा रहा है, 7 साल तक आप आपका लोन जो है वो रीपे कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मेरेटोरियम पीरियड मिला है 18 मंथ्स का। सर मेरेटोरियम पीरियड क्या होता है? ये एक ऐसा पीरियड होता है जहां आप अगर आपका लोन का प्रिंसिपल अमाउंट नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। बाई चांस आपके बिजनेस पे कोई रिस्क आ जाता है, कोई अनफॉर्चुनेट चीज हो जाती जिसके कारण आप प्रिंसिपल नहीं पे कर पाते, तो मैक्सिमम 18 मंथ्स तक अगर आप आपका बैंक का प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करते हो तो बैंक वाला आपको कुछ नहीं बोलेगा। बैंक बोलेगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा 18 मंथ्स तक। ठीक है, ऐसा इस स्कीम में प्रोविजन है। बाकी जो आपका टोटल लोन है आपको वो 7 ईयर्स के अंदर अंदर आपको टाइम दिया जाएगा कि आप उस लोन को रीपे कर दो। ठीक है सर, अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। तो फॉर विड्रॉल ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू 10 लैक्स द सेम मे बी सैंक्शंड बाय अ वे ऑफ ओवरड्राफ्ट। अगर आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, अगर आपको उस चीज के लिए जरूरत है ₹10 लाख तक के लिए तो आपको सैंक्शन हो सकता है बाय वे ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट की आपको सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ रुपे डेबिट कार्ड टू बी इशूड फॉर कन्वीनियंस ऑफ बोरोवर, वर्किंग कैपिटल लिमिट अबव 10 लाख टू बी सैंक्शंड बाय वे ऑफ कैश क्रेडिट लिमिट। तो बाय वे ऑफ कैश क्रेडिट लिमिट अगर आपको 10 लाख के भी ऊपर का वर्किंग कैपिटल चाहिए तो भैया वो भी आपको सैंक्शन किया जाएगा बाय वे ऑफ कैश क्रेडिट लिमिट। ओके सर, कमिंग टू आर लास्ट पॉइंट, मार्जिन मनी। तो भैया दिस स्कीम विजुअलाइजेस 15% मार्जिन मनी। ये मार्जिन मनी पहले 25% था यूनियन बजट में, ये भी चीज चेंज होके इसको 15% कर दिया गया। साथ ही साथ ये जो साइज ऑफ लोन दिख रहा है ये 75% हुआ करता था, बट यूनियन बजट 2021 में ये चीज को 85
परसेंट कर दिया गया। ओके, आते हैं हम मार्जिन मनी पे। द स्कीम विजुअलाइजेस 15% मार्जिन मनी विच कैन बी प्रोवाइडेड इन कन्वर्जेंस विथ एलिजिबल सेंट्रल स्टेट स्कीम्स वाइल सच स्कीम्स कैन बी विदड्रॉन अपॉन अवेलिंग एडमिसेबल सब्सिडीज और फॉर मीटिंग मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट्स इन ऑल केसेस द बोरोवर शैल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ मिनिमम ऑफ 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। मार्जिन मनी यानी डाउन पेमेंट, ठीक है, 15% तक का जो आपको डाउन पेमेंट देना होगा वो भी उसमें भी आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगी, बट एट अ मिनिमम आपको 10% आपका खुद का मनी जो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो 10% है वो आपको एज अ ओन कॉन्ट्रीब्यूशन आपके बिजनेस में आपको लगाना पड़ेगा। रेस्ट 85% तक का आपको लोन मिल जाएगा, उसमें भी 15% जो मनी है वो आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू आपको हेल्प की जाएगी कि आप वो मनी गवर्नमेंट आपके साइड से पे कर देगी। तो यही है हमारा स्टैंडअप इंडिया स्कीम। स्टैंडअप इंडिया स्कीम क्या है, एक बार इसको फिर से छोटे से मैं जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो सर ये स्कीम बेसिकली लाया गया था STSC और वुमेन एंटरप्रेन्योर को भैया बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में थोड़े से पीछे रह गए, तो ये भी प्रॉपर सामने आ सके, अपनी एफिशिएंसी दिखा सके। और अगर इनको अपनी एफिशिएंसी दिखाने में एक बेसिक चीज़ जो लैक कर सकती है वो है मनी, तो वो हम प्रोवाइड करेंगे इनको स्टैंडअप इंडिया स्कीम के तहत। इनको मिलेगा सर 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन, ठीक है, वो लोन होगा सर कंपोजिट लोन, उसमें टर्म लोन भी इंक्लूड होगा प्लस वर्किंग कैपिटल लोन भी इंक्लूड होगा। इस केस की एलिजिबिलिटी क्या है सर, सबसे पहले आप STSC या वुमेन एंटरप्रेन्योर होने चाहिए, जिसमें आपकी एज 18 इयर्स के अबव होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप ग्रुप में बिजनेस करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो 51% STSC या वुमेन एंटरप्रेन्योर के हाथ में शेयर्स होने चाहिए। 51% शेयर्स या कंट्रोलिंग पावर किसके पास होनी चाहिए सर, वुमेन एंटरप्रेन्योर या STSC पर्सन के पास होनी चाहिए, क्लियर है। फिर सर ये लोन आपको किस लिए मिलेगा, ये लोन आपको मिलेगा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लिए। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आप फर्स्ट टाइम कोई प्रोजेक्ट कोई बिजनेस कर रहे हो, उसको बोला जाएगा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। इसके अंदर क्या क्या प्रोजेक्ट्स आते हैं सर, इसके अंदर आते हैं मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, साथ ही साथ अब क्या इंक्लूड हो गया है, एलाइड एग्रीकल्चर सर्विसेज, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट सर, एक और कंडीशन की बोरोवर जो है वो किसी भी बैंक से उसका कोई भी डिफ्रॉड नहीं होना चाहिए, किसी भी बैंक से उसने डिफॉल्ट नहीं किया हो, ठीक है, ऐसे ही पर्सन को लोन मिलेगा। तो यही था हमारा स्टैंडअप इंडिया स्कीम, इसको हमने अच्छी तरीके से पढ़ा, अच्छी तरीके से समझा। इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं करता हूँ खत्म और आपसे मैं मिलूंगा अगली क्लास में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बने रहो चैनल के साथ। पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।